थे रिलेटेड विद एथिक्स, जैसा कि हमने जो है राइट्स, ड्यूटी, यूटिलिटेरियनिज्म, वर्चो, ये चीजें जो है वो डिस्कस की थी। तो ये डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स हैं और हर एक में अंडरलाइंग ऑब्वियसली प्रॉब्लम्स भी थे, कौन सी जो है वो पर्सपेक्टिव बेहतर है, कौन सा नहीं बेहतर, किस में क्या प्रॉब्लम्स हैं, वो हमने लास्ट टाइम जो है वो डिस्कशन की थी। तो आज हमारा एक हमने उधर एक टर्म कॉइन आउट की थी जिसे एथिकल डायलेमा कहते हैं, कि जब डिफरेंट मॉरल प्रिंसिपल्स या मॉरल वैल्यूज जो होती हैं व्हेन दे आर इन कंफ्लिक्ट विद ईच अदर, तो जो है वो क्या कहलाता है, वो कहलाता है एथिकल डायलेमा। ठीक है, मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ। एथिकल डायलेमा क्या होता है कि जब जब एक से ज्यादा मॉरल इश्यूज जो हैं, मॉरल वैल्यूज जो हैं, मॉरल प्रिंसिपल्स कह लें, ठीक है, या एथिकल एस्पेक्ट्स कह लें, ठीक है, व्हेन दे आर इन कंफ्लिक्ट विद ईच अदर, ठीक है, जब वो एक दूसरे के साथ मुतसादम हो, ठीक है, कंफ्लिक्ट से मुराद यहाँ पर मुतसादम होना होगा, तो वो कहलाता है एथिकल डायलेमा। ठीक है, तो अब इसमें सबसे पहले तो देखें एथिकल डायलेमा को सॉल्व करने का सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि कौन कौन सी चीजें कंफ्लिक्ट में है। ठीक है, आपको ये तो आइडिया होना चाहिए ना कि कौन कौन सी एथिकल वैल्यूज जो हैं इसमें कंप्रोमाइज हो रही हैं, जिनका कंफ्लिक्ट है। उसके बाद होता है मॉरल चॉइसेस। ऑब्वियसली एक प्रॉब्लम है तो उसके अंदर आपके पास सर्टन ऑप्शंस होंगी कि ये पाथ हैं, या आपको इसमें से कोई आपको पाथ डिफाइन करेगा, या आप खुद से कोई पाथ बनाएंगे कि ये इसके ऊपर मेरे पास चॉइसेस हैं, ये ऑप्शंस हैं, उन्हें कहते हैं मॉरल चॉइसेस। और फिर ऑब्वियसली इस चॉइसेस की बुनियाद पर हम जो है एथिकल डिसीजन मेकिंग करते हैं। सही है, तो ये जो है ये बेसिक जो है इंफॉर्मेशन होना जरूरी है। सही है, अच्छा अब थोड़ी जो है वो मेरे ख्याल से 2-3 मिनट और दे दें, क्योंकि लोग ज्वाइन कर रहे हैं तो फिर बार बार वापस आना बड़ा मुश्किल होता है। एक दफा ग्रुप में मैसेज कर दें कि सर कह रहे हैं आ जाएं सारे जो है ना 2-3 मिनट के अंदर, ताकि जो है ना वो फिर बार बार वापस आना वहां से बड़ा मुश्किल है, कि एक दफा प्रेजेंटेशन स्टार्ट कर दी है तो फिर जो है ना। अच्छा तो ठीक है सर। हाँ जी, एथिकल डायलेमा पहले क्या होता है कि जब आपके पास डिफरेंट जो मॉरल एस्पेक्ट्स होते हैं, सही है, वो दे आर इन कंफ्लिक्ट विद ईच अदर। शहजाद हसन, शहजाद हसन कहाँ जी सर जी, एंजॉय कर रहे हो जो है वो? सर इधर दो ना दे रही है, तूफान आया हमारे यहाँ सर जी। सर तो कहीं कमरे में बैठ के क्लास ले लो यार। इधर सिग्नल सर नहीं आते सर जी। अच्छा तो चले, सही है सही है, ऐसे ही सारे लोग परेशान हो रहे हैं कि पता नहीं ये क्या कर रहा है जो है ना। अच्छा तो ये जो है एथिकल डायलेमा क्या होता है व्हेन मॉरल एस्पेक्ट्स आर इन कंफ्लिक्ट विद ईच अदर, सही है, और फिर मैंने आपको बताया कि कुछ मॉरल चॉइसेस होंगे, ठीक है, और मॉरल चॉइसेस की बुनियाद में से जो मोस्ट सूटेबल होगा, जिसमें आपके मैक्सिमम जो है वो आपको जो एथिकल्स हैं आपके जो मोरालिटी है वो अचीव हो रही है, वो फिर एथिकल डिसीजन मेकिंग में आएगी। अच्छा तो अब मेरे ख्याल से आई शुड गो टुवर्ड्स द बुक, बुक की तरफ चलते हैं, मैं आपके साथ शेयर करता हूँ बुक। तो ये जो टॉपिक है ये हम बुक से ही करेंगे जो है ना, और इससे प्रीवियस टॉपिक मैंने आपको बुक से ही कराया था, और जो स्लाइड्स भी हैं वो भी जो इस्लामिक एथिक्स थी वो तो स्लाइड से ही आपको प्रिपेयर करना पड़ेगा, लेकिन बाकी मैं स्लाइड जो मेरी बनी होंगी ना वो बुक से ही बनी हुई होंगी जो बाद में आपके साथ। सर फाइनल का आज से स्टार्ट नहीं होगा क्या सिलेबस हमारा जो है? तो सारे ही सिलेबस यार फाइनल में इंक्लूडेड है ये? सर मिड आपने से पहले कितने वाला तो नहीं होता, वो 20% कहा होता है? है।
ये किसने कहा है आपको? ऐसी कोई सर बात बाकी सब्जेक्ट्स में भी नहीं नहीं होता और एथिक्स वन में भी नहीं है इंक्लूड सर, हुआ था ऐसा मुझे ही पता। होता है बाकी सब्जेक्ट्स में, तो ऐसा ही होता रहा है। चले वो आपकी यूनिवर्सिटी बता देगी कि ऐसा करना है या ना करना। अगर सारे टीचर ऐसे करते हैं तो फिर देख लेंगे, अदरवाइज मेरी डिक्शनरी में ऐसी कोई चीज नहीं है। ठीक है, जो फाइनल सारे पेपर टीचर होता है वो सारे कोर्स में होता से होता है। तो बाकी अगर जी आपकी सर, सारे यूनिवर्सिटी टीचर्स ही पॉलिसी, करते हैं। चले अगर आपकी यूनिवर्सिटी की पॉलिसी ये है तो फिर देख लेंगे, फिर उस हिसाब से कर लेंगे। वरना जो है ना वो मेरी मेरे पास ऐसा नहीं है, जो है ना हम लोग तो ऐसा नहीं करते। लेकिन अगर आपकी यूनिवर्सिटी की ये पॉलिसी हुई तो फिर एक अलग बात है। पॉलिसी तो फिर पॉलिसी होती है, फिर वो तो माननी पड़ती है। ठीक है, अगर पॉलिसी नहीं है तो फिर आप समझेंगे सारे। सर पॉलिसी नहीं होती, लेकिन वो है ना टीचर्स खुद अकोमोडेट करने के लिए ना ऐसे कर लेते हैं। सर सिलेबस बहुत ज़्यादा हो जाता है। सिलेबस बहुत ज्यादा हो जाएगा। कुछ नहीं, नहीं कुछ पढ़ी नहीं है। अच्छा, जो एथिकल डायलेमाज हैं, ये चैप्टर 2 है। ये मैं आपको साथ ही बता दूं बुक का, मॉरल रीजनिंग एंड कोड्स ऑफ एथिक्स। ये इसमें से हम जो है ये टॉपिक कर रहे हैं और बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, एथिकल डायलेमा, ये मैं साथ साथ अंडरलाइन करता जाता हूँ ताकि आपको पता हो मेन मेन पॉइंट्स जो है ना। एथिकल डायलेमास आर सिचुएशंस इन विच मॉरल रीजंस आर इन कम इनटू कॉन्फ्लिक्ट और इन विच द एप्लीकेशंस ऑफ मॉरल वैल्यूज आर अनक्लियर एंड इट इज नॉट इमीडिएटली ऑब्वियस व्हाट शुड बी डन। ठीक है, ये आपके पास एथिकल डायलेमा होता है जब आपके पास मॉरल जो रीजंस होती हैं, जो मॉरल आपके पास पर्सपेक्टिव्स होते हैं, एस्पेक्ट्स होते हैं, वो दे कम इन कॉन्फ्लिक्ट। ठीक है, तो आपको अनक्लियर है कि आप कौन सी जो है ना वो कौन सा पाथ आप चूज करें। ठीक है, इस तरह के बहुत से मॉरल इश्यूज हमने लास्ट टाइम, अगर आपको याद हो, जब हम पढ़ रहे थे डिफरेंट एथिकल पर्सपेक्टिव पढ़ रहे थे, तो उसके अंदर भी हमने बहुत सी इस तरह की बीच में से चीजें निकाली। यहाँ पर जो हमने पढ़ा होता था वो जो है वो सही वैलिड नहीं था। सही है, तो इसको क्या कहते हैं, इस तरह की सिचुएशंस को एथिकल डायलेमा कहते हैं। अब फिर क्या होता है, एथिकल डायलेमा में आपके पास जो है वो, ये दूसरी टर्म में जो कह रहा था, मॉरल चॉइसेस होती है। और उन मॉरल चॉइसेस में से जो मोस्ट सूटेबल होती है, आप फिर एथिकल डिसीजन करते हैं उसमें से, उन मॉरल चॉइसेस में से। सही है, तो ये चीज जो है ये पहले जो है वो क्लियर होना जरूरी है। एक मिनट जरा मैं देख लूं, कुछ लोग अगर आए हैं तो उन्हें ऐड किया जा सके ताकि। अच्छा जी, ठीक है, आ गए ना सब लोग? अभी कोई और तो नहीं है ना वेटिंग में? नहीं सर, आ गए हैं सारे तकरीबन। अच्छा, अब हम ना एक एग्जाम्पल लेते हैं। ठीक है, उस एग्जाम्पल को हम जो है फिर डिस्कस करेंगे और फिर उससे जरा ना हमें आइडिया होगा कि एथिकल इश्यूज किस तरह से। ये जो एग्जाम्पल है ना, ये है, आप पढ़ेंगे भी बुक से, डिजाइनिंग एल्युमिनियम कैंस। और मैं आपको एक बताऊं कि आप लोग जो है ना एमफिल वाले जो है ना, आप प्रॉपर पढ़ते नहीं रहे चीजों को जो है ना, तो इसलिए मैंने देखा है कि आप में से और कुछ आप लोग क्लास में ना आपके अटेंडेंस भी कम होती है, तो जिसकी वजह से ना आप में से कुछ लोगों के मार्क्स भी कम है। मेरे ख्याल में 18 आईएएस ने शायद जो है ना जो, सर जी एमसीक्यूज काफी मुश्किल थे। और नहीं नहीं यार वो सारों के लिए मुश्किल होते हैं वो। मैं एक दो और सेक्शंस को भी पढ़ा रहा हूँ, उन्होंने तो बड़ा अच्छा परफॉर्म किया हुआ है।
आप लोग ना कुछ लोगों के अच्छे हैं, मतलब 15 से मार्क्स अबव होना बड़ी अच्छी बात है, लेकिन देखें वो कुछ लोग ना, आप लोग फिर पढ़ते नहीं है, मुझे तो यही लगा है, आप लोग नौकरी की तरफ ज्यादा ध्यान है, तो वरना इसमें कोई इतने मुश्किल क्वेश्चन थे नहीं, 15 से ऊपर आने चाहिए थे आप लोगों के मार्क्स। तो क्लासेस लिया करें और पढ़ा करें, जो मैं पढ़ा रहा हूँ बुक से पढ़ा करें और इधर उधर से उससे रिलेटेड मटेरियल पढ़ा करें ताकि आपको समझ आए। अभी एक और चीज साथ साथ आपको बताता चलूं कि आपका जो है वो 20 मार्क्स हो गए, 20 मार्क्स का फाइनल होगा और 10 मार्क्स आपके अटेंडेंस पर क्लास परफॉर्मेंस बेस्ड होंगे, ठीक है। 50 ये हो गए। अब 10 मार्क्स की एक असाइनमेंट होगी, 20 मार्क्स की एक प्रेजेंटेशन होगी आपकी, और 20 मार्क्स के आपके क्विजेज होंगे। तो यूं जो है वो बाकी 50 मार्क्स जो है ना हम कंक्लूड कर लेंगे। तो इसका मतलब है कि आपको ना ये इस अरसे में, क्योंकि सारे जो 50 मार्क्स हैं ये इसी अरसे में होने हैं, ये अगली 6, 7, 8 क्लासेस जितनी रह गई हैं, सही है। तो इसलिए आपको रेगुलर रहना चाहिए, अटेंटिव रहना चाहिए ताकि आपके अच्छे से अच्छे मार्क्स आ सकें, ठीक है। हमने तो मार्क्स देने ही होते हैं आपको, लेकिन आप भी खुद जो है ना मेहनत करें थोड़ा सा ताकि आपको जो है ना, और आज का लेक्चर जो है असाइनमेंट इसी लेक्चर की बुनियाद पर होनी है, आप ये आज ध्यान में रखें। अच्छा, तो ये जो है एक एल्यूमिनियम डिजाइनिंग एल्यूमिनियम कैंस की एग्जांपल है कि पहले जो कैन कैन समझते हैं ना, कैन क्या होता है या एल्यूमिनियम कैंस क्या होते हैं? सर जी में कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह होती हैं। हाँ, समझ गए। पहले ना ये होते थे टिन, टिन जो है ना वो टिन में आते थे, टिन जो है ना, टिन के प्रॉब्लम ये थे, टिन एक तो महंगी है मेटल, ठीक है, दूसरा टिन जो है वो जो है उससे अगर आप सिप ले रहे हैं तो इंजरीज वगैरह का भी खदशा था, सही है, तो और कॉस्ट इफेक्टिव नहीं थी, सही है। तो क्या किया जो डिजाइनर थे 1958 में, केसर एल्यूमिनियम ने ने जो है ना ये जो है एल्यूमिनियम जो है ना वो कैन डिजाइन किया, सही है, तो एल्यूमिनियम कैन बनाया गया। अब एल्यूमिनियम कैन बनाया गया तो उसके ऊपर ना एक लिड लगाया गया, सही है, जैसा कि लिड नॉर्मली जो है वो होता है, ठीक है। देखें एल्यूमिनियम जो था टिन की निस्बत फ्लेक्सिबल था, लाइट वेट था, ठीक है, और जो है कॉस्ट इफेक्टिव भी था। तो फिर क्या किया, उसके ऊपर लिड लगाया गया। अब लिड लगाने का जो है वो मसला, लिड लगाने की वजह से ये था, एक तो लिड के लिए लिड ओपनर होना चाहिए था, लिड समझते ना ऊपर वो ढकना सा लगाया गया। अच्छा 2 मिनट ठहर जाए, अजान हो ले तो फिर जो है ना वो आगे मैं स्टार्ट करता हूँ। सजीत तलहा को ऐड भी कर दीजिएगा। हाँ जी मैं ऐड कर देता हूँ इतने देर में।
अच्छा, तो वो जो एल्युमिनियम कैन से उनको डिजाइन, उनके ऊपर एक लिड जो है ना, वो लिड था। फिर लिड के लिए ना आपको लिड ओपनर चाहिए, जैसे आजकल भी हम ग्लास बोटल्स के अंदर देखते हैं तो उन्हें ओपन करना पड़ता है। अब हुआ क्या जी, वो एक कोई एक बंदा वो जो थी कैन जो है एल्युमिनियम कैन लेके चला गया कहीं बीच पे। अब उस साथ ना ओपनर लेके जाना भूल गया। अब वहां पर ना कोई ऐसा, वो तो एक स्पेसिफिक इसका ओपनर होता था, जैसे आपको अगर याद हो तो जो थोड़े आज से 20-25 साल पहले जो जानते हैं, पहले ये इस तरह नहीं होते थे, डीप फ्रीजर नहीं लगे होते थे शाफ्ट में, और वहां पर लिड ओपनर नहीं लगा होता था, एक चाबी सी होती थी जिससे खोलते होते थे, ओपन करते थे। था ना ऐसा, किसी को याद है ऐसे कोई ऐसे दौर में हो आप में से? होंगे ऑब्वियसली। जी जी सर, ऐसे है, मैंने खुद हाँ जी, जो है ना वो वो यूज किया ये हुआ रहता है। है कि गांव में तो अक्सर इस तरह की सूरत हाल होती है। तो जी वो सर, जो है ना, इस तरह की लिड ओपनर, अब उसके पास, उसने जी अपनी गाड़ी का कोई टूल यूज करके जो है ना, उसे जैसे भी है उस एल्युमिनियम कैन को ओपन किया। फिर उस एल्युमिनियम कैन में एक मसला ये था कि लिड आपने, जब आपने ड्रिंक पी ली तो आपने लिड कहीं फेंक दिया। अब वो लिड किसी के पाँव के नीचे आ जाए, ठीक है, वो कहीं दरिया में गिर जाए, किसी नाले में गिरेगा, वहां से वो किसी समुन्द्र में जाएगा, उसे कोई आबी हयात खाएंगी, उनको भी नुकसान। सही है, तो अगर किसी को इंजरी हो जाती है ये भी नुकसान है, ठीक है। तो इस तरह के इश्यूज थे। तो फिर क्या किया गया, उन्होंने जो है ना, एक तो उसके फिर एल्यूमिनियम कैन के डिजाइन को भी उन्होंने बेहतर बनाया। आजकल आप देखते हैं कि ये जो कैन आते हैं, ये टिन आते हैं, जो वो जो होते हैं वो नीचे से इस तरह से बिल्कुल सरफेस उनकी फ्लैट नहीं होती, ठीक है, और उनके ऊपर लेबल्स लोगोज इस तरह के लगाए जाते हैं, ठीक है, ताकि लोगों को जो है ना अपील करे वो कि आई शुड बाय दिस ड्रिंक एंड उसे मैं फिर जो है ना पीऊं, है ना ऐसा, ठीक है। जिस तरह वो ड्यू वालों की अपनी एक प्रमोशन है, वो उनने उसके लेबल लगाया होता है बड़ा अट्रैक्टिव सा। और फिर जो है केन के ऊपर आजकल जो है वो लिड जो है वो उसी के ऊपर जो है वो माउंटेड होता है, सही है। और आपने जस्ट वो एंड, और आपको ये नहीं है कि आपने लगाया तो आपके कोई होंठों को नुकसान हो जाएगा। उस वक्त जो कैन थे उनमें ये भी प्रॉब्लम था कि होंठ जो है वो फट गए किसी के, वो मेटल का कहीं कंटेक्ट हुआ जब, तो वो फ्रिक्शन की वजह से जो है, ठीक है। तो आजकल इस तरह के इश्यूज नहीं है, आप लोग अक्सर टिन पीते ही रहते होंगे या कैन जो है। तो जो है, तो देखें एक चीज जो है वो किस तरह से डेवलपमेंटल फेजेस से गुजर रही है, किस तरह से उसके अंदर इंजीनियरिंग वर्क करी। ये सिर्फ एक टिन की एग्जांपल नहीं है, बल्कि बहुत सारी प्रोडक्ट सीनियरली और जो सर्विसेज होती हैं वो इसी तरह की डेवलपमेंटल एवोल्यूशनल स्टेजेस से गुजरती हैं, कि एक चीज बनी उसमें प्रॉब्लम आए फिर इसको रिमूव किया गया, फिर उससे आगे बढ़ते गए, इस तरह से जो है ना वो चीजें आती गई, ठीक है। तो अभी आप इन 20 सालों में सिर्फ इस मोबाइल को ही देख लें, कभी मोबाइल फोन जो है, जो आप कॉल सुनते होते थे उसके भी पैसे होते थे, ठीक है। और आजकल आप देख लें कि जो है ना वो कितना आपको फैसिलिटी है मोबाइल फोन की, वीडियो कॉल, ऑडियो कॉल, ठीक है। अब जो है ना, ये तो हमने डिस्कस कर लिया एक एग्जांपल, होपफुली आपको इसमें सारा मैटर समझ आ गया होगा। आ गया है ना मैटर समझ? ये एक केस स्टडी मैंने आपके सामने रखी है। अच्छा, अब देखिए हमने इसमें देखना ये है कि कौन कौन से एथिकल इश्यूज थे। ये एक हमने एक तरह से एक एग्जाम्पल की है, तो इसमें से अब हम इश्यूज निकालेंगे, सही है, कि किस किस तरह से इश्यूज हैं जो है। और जो मैंने आपको असाइनमेंट देनी है, मैंने आपको केस स्टडी देनी है, आपने उसमें से पहले जो है वो इसी तरह एक तो केस स्टडी आ जाएगी, आपने उसमें से देखना है कि उसमें एथिकल इश्यूज क्या क्या हैं। फॉर एग्जांपल जो पहली तरह के इश्यूज इन जनरल हम देखेंगे या इसमें देखेंगे, तो वो ह्यूमन सेफ्टी से रिलेटेड है। देखें जब जो है वो एल्युमिनियम कैन नए नए बने, तो मैंने आपको बताया कि वो जो लिड था उसे ओपन करते थे तो वो इट कुड बी हार्मफुल टू योर लिप्स, ठीक है। फिर जो है वो
कहीं गिर गया किसी का पाँव ऊपर आ गया तो उसको भी इंजरी होगी, ठीक है। तो इस तरह जो है वो ये हेल्थ से रिलेटेड, ये सेफ्टी से रिलेटेड इशू, और सेफ्टी इज ए वेरी मेजर कंसर्न, ठीक है। सेफ्टी जो है वो बहुत मेजर कंसर्न है हमारा, और अगला हमारा टॉपिक भी जो नेक्स्ट होगा वो सेफ्टी एंड रिस्क ही है, सही है। तो सेफ्टी इसमें, इस पर्टिकुलर एग्जाम्पल में सेफ्टी का ये इशू है कि वो जो है अब देखिए ना, बाज़ औक़ात जो है वो एक इशू माइनर होता है लेकिन इट कुड कॉज मेजर इशूज, ठीक है। माइनर इशूज एट टाइम लीड टूवर्ड्स मेजर इशूज। तो इसमें अगर हम पर्टिकुलर एग्जाम्पल इस केन की लें, एल्यूमिनियम केन्स की, तो उसमें जो इश्यूज हैं वो यही थे सेफ्टी से रिलेटेड, कि वो जो थे वो लिड जो था वो सेफ नहीं था, और लिड जो है वो अगर आप कहीं फेंक देते हैं तो फिर वो भी जो है वो अनसेफ था, ठीक है। आपने हर एक में जो भी आपको इश्यू दिया हो तो आपने उसमें पहले देखना है कि सेफ्टी से रिलेटेड क्या क्या इश्यूज हो सकते हैं उसमें, और वो आपने नोट राइट डाउन करने हैं, सही है। तो ये तो एक आपके सामने मैं अभी बता रहा हूँ, तो बाकी आपके सामने हर एक का आएगा तो वो आपने उसमें से बताना होगा फिर। अच्छा, दूसरा जो कंसर्न है वो है वो इन्वायरमेंट है, सही है। इन्वायरमेंट आप देखिए, इन्वायरमेंट कहीं ना कहीं सेफ्टी से मिलती जुलते जुड़ी हुई चीज होती है। तो देखिए, आप जब लिड फेंक रहे हैं, एक तो आप जो है वो शहर में, टाउन में जो है वो जो गंदगी है वो बढ़ा रहे हैं, ठीक है, उसकी लुक खराब कर रहे हैं, एनवायरनमेंट भी उससे खराब हो रहा है, जो आपकी मेरीन लाइफ है, ठीक है, वो भी डिस्टर्ब हो सकती है, होती है, ठीक है। हम जो खाते पीते हैं चीजें, रैपर इधर फेंके उधर फेंके, वही चीजें जो है लिड फेंक दिए वो जाते हैं समुंदर में, वही मछलियां खाती हैं, तो वो जो है ना, तो एनवायरनमेंट जो है इससे क्या हो रही है, इसमें प्रॉब्लम है एनवायरनमेंट, ठीक है। तो ये जो है ये बड़ा एक और इम्पोर्टेंट फैक्टर है एनवायरनमेंट, ठीक है। तो जब आप कोई भी केस स्टडी पढ़े तो आपने, जरूरी नहीं है कि हर एक एस्पेक्ट लाजमी उसमें कवर हो रहा हो, अगर है तो ठीक है, अगर नहीं है तो आपने बस छोड़ देना है कि ठीक है जी एनवायरनमेंट तो इससे कोई नहीं, इसमें कोई मसला नहीं एनवायरनमेंट का, ये सेफ्टी का जो है वो आपने लिखना है, ठीक है। और जहां पर जो है वो टू दी पॉइंट बातें लिखनी है, टू दी पॉइंट बातें बतानी है, ये नहीं है कि ऐसी लंबी लंबी कहानियां छोड़ देनी है, ना मैंने इतनी लंबी कहानियां पढ़नी होती है ना उसको मार्क्स मिलने हैं, सही है। तो जब भी आपकी से कोई असेसमेंट हो तो आपने टू दी पॉइंट लिखना है, जो बात बनती है बस वो लिखें, थोड़े से अल्फाज में, दो तीन जुमलों में बस बात खत्म करें, सही है। अच्छा जी, थर्ड जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो है यूजफुलनेस और कन्वीनियंस, ठीक है। अब देखें, जब शुरू में जो है वो टिन कैन की बात करें, उसको रिप्लेस किया एल्यूमिनियम कैन ने, एल्यूमिनियम कैन ज्यादा अट्रैक्टिव था, उसका जो थिन था वो थिन था, लाइट वेट था, सही है। ये आपकी क्या करता है, उसके ऊपर बड़े अच्छे अच्छे लेबल लग गए, ये क्या आपकी कन्वीनियंस है, ठीक है, एस्थेटिक सेंस है। अगर जो है वो बोतल ओपनर लाजमी साथ चाहिए होता, ठीक है, तो फिर ये तो हमारे घरों तक तो पहुंच ही नहीं सकते। मुझे याद पड़ता है कि हमारे घर में 97-98 के अंदर एक बोतल ओपनर होता था, सही है, क्योंकि हमें पता था कि बोतलें कभी मेहमान आ गए इस तरह उस तरह, तो फिर अब वो हम शॉप से खुलवाने तो नहीं जाएंगे, यार ये बोतल खोल दो, और जो है ना 400-500 मीटर 600 मीटर दूर दुकान है उससे, जी ये बोतल लेते हैं, मैं बोतल जो है ना, जिस तरह का आज कल मौसम है तो वो तो गर्म हो जाए दोबारा से। तो ये चीजें हैं कन्वीनियंस जो है, अगर ये बोतल ओपनर या ये टिन जो इस तरह अभी आ रहे हैं, या जिस तरह के लिड अभी आ रहे हैं, ये अगर ना बनाए जाते, ठीक है, तो क्या होना था, बोतलें फिर घरों में तो आ ही नहीं सकती। हम जो है वो किसी को बोतल पिलानी होती तो हम जो है ना ये इधर उधर से सारे लोग लाहौर आते, चलो यार बोतल खोल के उधर ही पी सकते हैं, इधर तो ला नहीं सकते, सही है। तो ये चीजें हैं, कन्वीनियंस जो है ये बड़ी मैटर करती है, ठीक है। तो जो कन्वीनियंस है ये भी एक जो है इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है इसमें भी। देखें, जब ये लिड बने इस तरह के, तो जो है, या उसके ऊपर आपने अट्रैक्टिव से इमेजेस लगाए ताकि लोगों की एस्थेटिक सेंस उसमें बढ़े, कि आप देखें तो आपका दिल करे पीने को, ठीक है। तो ये जो है ये थर्ड, ये इस पर हर एक में होगी कन्वीनियंस, या आपने उसको देखना है कि है या नहीं है। इसमें, इस पर्टिकुलर एग्जाम्पल में इस तरह से आप उसे कह सकते हैं।
अच्छा चौथा इम्पोर्टेंट पॉइंट जो है इकोनॉमी है, ठीक है सर, एक दफा काइंडली फर्स्ट पॉइंट बताना। फर्स्ट पॉइंट जो है वो सेफ्टी है, ठीक है, सेफ्टी, सेकंड एनवायरनमेंट, थर्ड कन्वीनियंस, ठीक है, जो यूजफुलनेस, और फोर्थ इकोनॉमी। देखिए इकोनॉमी हम ये नहीं कह रहे कि जीडीपी का फलाना हो जाए, बरामदात बढ़ा दे, दरामदात कम कर दे, ये वो, ये हमारा मकसद नहीं है, ठीक है, हमारा मकसद है उसके एथिकल एस्पेक्ट। देखें एक अगर लेट से कोक है, ठीक है, कोक बन रही है, कोक के अंदर मुलाजमीन है जो काम कर रहे हैं, ठीक है, उसके डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, उसकी रिटेलर्स हैं, ठीक है, उसके अंदर जो डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं उनके आगे गाड़ियां हैं, गाड़ियों के ड्राइवर हैं, ठीक है, इस तरह बहुत से लोग जो हैं वो रिटेलर्स ने आगे और बंदे साथ रखे हुए हैं, तो ये सारों का क्या है, इन सारों के आगे खानदान चल रहे हैं, उनके बच्चे पढ़ रहे हैं, ठीक है, वो सारे जो है वो इस पैसे के ऊपर दारोमदार है उनका, सही है। तो देखें इकॉनमी जो है उसका एथिकल एस्पेक्ट भी है एक, ठीक है, कि लोगों का सर्वाइवल, लोगों का लाइकलीहुड, ये उसका क्या है, ये एथिकल एस्पेक्ट है, बात समझ रहे हैं मेरी। तो ये जो है अगर जो है अगर एक अगर एक जो है एक चीज जो है वो उसे बेहतर बनाया जा रहा है, तो उसकी इकोनॉमिक 20-25 साल पहले या जब जो जो उनके ऑन से चलता रहेगा, ये चार फैक्टर आप ध्यान में रखें। कौन कौन से, आपने एक तो सेफ्टी के एस्पेक्ट देखना है, सेफ्टी के क्या इश्यूज हैं उसमें, ठीक है, दूसरा आपके पास एनवायरनमेंट हो गया, तीसरा आपके पास हो गया कौन सा, लिख लिया करें अपने पास, कन्वीनियंस, ठीक है, और ठीक है, चौथा मैंने आपको क्या बताया, इकॉनमी। इसके अलावा और बहुत से एस्पेक्ट्स हैं, ठीक है, आप लिख ले साथ जो है ना वो ज्यादा बेहतर है ये। अच्छा अब मैं लास्ट टाइम भी उधर जा रहा हूँ, इसके बाद मैंने वापस नहीं शेयरिंग नहीं स्टॉप करनी, वो अभी मैं एक दफा देख लेता हूँ कोई है तो चले उसे ऐड कर लेते हैं यार, 5:30 के बाद नहीं है ही कोई नहीं, माशाल्लाह नहीं है, है कोई रह गया तो उसे कह दो आ जाए जल्दी से। अच्छा मैं आपको बता रहा था, देखें एक दफा मैसेज कर दें, तला कोई रह गया तो आ जाए, वरना मैंने फिर इसके बाद नहीं ऐड करना, बस मैं आखिरी दफा शेयरिंग स्टॉप करके आया हूँ। अच्छा तो इसके अलावा भी एस्पेक्ट्स हैं, ठीक है, चार जो बताए, इसके अलावा लेट्स से ट्रस्टवर्दीनेस, ठीक है, ट्रूथफुलनेस, ऑनेस्टी, ठीक है, ये भी एस्पेक्ट्स हैं, सही है, ये इनके ऊपर भी होना चाहिए, ये भी एथिकल एस्पेक्ट्स हैं। अच्छा इसके अलावा कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट पता है ना क्या होता है, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ, कौन बोल रहा है बताएं, सही आवाज नहीं आई आपकी, नहीं आवाज नहीं आई, मजा नहीं आया, कुछ समझ नहीं आई, इख्तलाफ राय, और नहीं नहीं और नहीं नहीं और नहीं नहीं कोई और बताए, मुजम्मिल सईद आपने हाथ रेज किया हुआ है, सर दिलचस्पियां हर एक की अलग होती हैं, और नहीं नहीं और नहीं नहीं नहीं, नहीं आप गलत तरफ चले गए, और कौन बोला है इधर, सर इसका ये है कि अगर एक को बेनिफिट मिल रहा है तो जरूरी नहीं है कि वो दूसरे के लिए भी वैसा ही बेनिफिशियल हो। ओ यार इतना आप लोग कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, ये इस दौर में तो सारे लोग सुन सुन के कान पक गए हैं लोगों के, कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट ये होता है कि अगर जो है वो मैं अपनी जॉब टाइमिंग में कोई और काम शुरू कर दूं, किसी और को बेनिफिट देना शुरू कर दूं, ये कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है, जैसे वो पीएम साहब कहते हैं कि एक जो है एक पब्लिक ऑफिस होल्डर जो है वो अपना बिजनेस नहीं रन कर सकता, ये कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है, सही है सर, मुतसादम मुफाद सर,
मुफाद सर, मुतसादम। हाँ, आप कह सकते हैं इस तरह की टर्म कह सकते हैं, लेकिन कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट ये होता है कि जब एक चीज के अंदर रहते हुए आप उसको यूज करते हुए कहीं और पर बेनिफिट ले रहे हैं, तो वो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है। सही है। फायदा तो पहुंचाने वाला मुफाद सर। हाँ, आपका अपना आपको एक चीज को किसी दूसरे के साथ मुतसादम करके एक चीज को यूज कर रहे हो दूसरे के फायदे के लिए, ठीक है, उसे कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट कहते हैं। ठीक है, तो ये मैंने आपको कौन कौन सी और टर्म बताई, ट्रस्टवर्दीनेस, ठीक है, ट्रुथफुलनेस, ऑनेस्टी, ठीक है, ऑनेस्टी, और कौन सी बताई, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट बताया, टीम वर्क, ठीक है, कहीं ये तो नहीं है ना कि टीम वर्क उससे तबाह हो रहा है। ठीक है, टीम वर्क जो है ये भी एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। ठीक है, हमने ये चीजें, इनमें से मोस्टली चीजें हम डिस्कस भी करेंगे। तो पहले बताया सेफ्टी, एनवायरनमेंट, कन्वीनियंस, चौथे पे इकोनॉमी, फिर ऑनेस्टी, ट्रस्टवर्दीनेस, ट्रस्टफुलनेस, टीम वर्क, कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। ठीक है, ये आपको जो है ये पॉइंट, कॉपीराइट, ठीक है, ये सारे एथिकल इश्यूज हैं। ठीक है, पायरेसी भी एक एथिकल इश्यू है। पायरेसी क्या होता है? ये सब जैसे हम सीडीज वगैरह की जाली कॉपियां कर लेते हैं, वो और ऑथर सर से नहीं जैसे लेते। बुक्स हाँ, ये जो होती हैं, कॉपीराइट इशू, इंटरनेशनल बुक्स पायरेटेड इशू जो, है। हाँ, ₹500 में ले लेते हैं, तो वो पायरेटेड एडिशन होता है। ठीक है, वो एक बंदा कॉपी करके आगे चला देता है, तो वो जो है ना वो बिकती है। ठीक है, तो इसे पायरेसी कहते हैं। ठीक है, ये आपको एस्पेक्ट्स ना कम से कम होने चाहिए आपके माइंड में। ठीक है, तो अब मैं चलता हूं दोबारा लेक्चर की तरफ। अच्छा, जब आप, मैंने आपको बताया पहले आपके पास मॉरल चॉइसेस हो, पहले तो आपके माइंड में क्लियर होना चाहिए, ठीक है, कि है क्या एथिकल डायलेमा, कौन कौन सी चीजें इन कंफ्लिक्ट हैं। ठीक है, पहले तो ये क्लियर होना जरूरी है। सही है, दूसरा फिर आप मॉरल चॉइसेस को आपने कैसे जज करना है, क्या है वो, हम ना ये इसके अंदर हेडिंग के अंदर देखते हैं, स्टेप्स इन रिजॉल्विंग एथिकल डायलेमास। ठीक है, स्टेप्स इन रिजॉल्विंग एथिकल डायलेमास। सबसे पहली चीज है क्लैरिटी। ठीक है, क्लैरिटी ये होती है कि आपको क्लियरली पता हो कि कौन कौन सी चीजें इसमें इन कंफ्लिक्ट हैं, कौन कौन से मॉरल वैल्यूज, एथिकल वैल्यूज जो हैं वो क्या है, एथिक्स जो हैं वो क्या है, वो इन कंफ्लिक्ट हैं। ये पहली बात है, सबसे पहले क्लैरिटी इन माइंड। ठीक है, आपका माइंड क्लियर हो कि क्या क्या प्रॉब्लम है, क्या इश्यूज है, क्या मॉरल इश्यूज हैं इसमें। ठीक है, क्या मॉरल इश्यूज हैं, ये आपको क्लियर होना चाहिए। ठीक है, व्हाट मॉरल इश्यूज आर एट स्टेक, ये लिखा हुआ भी है, ये देख लें। ठीक है, ये क्लैरिटी होनी चाहिए। ठीक है, अच्छा, कंसेप्चुअल क्लैरिटी, ये इसकी तरफ भी मैं आता हूँ, ये आगे जाके आ जाएगा। ठीक है, दूसरा आपके पास इंफॉर्मेशन पूरी होनी चाहिए, इन्फॉर्म, यू आर वेल इन्फॉर्म। ठीक है, आपको सारी चीजों का पता है, उसके आपने रिलेटेड इंफॉर्मेशन आपने गैदर की हुई है, जो भी एथिकल कंफ्लिक्ट है, ठीक है, उससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन है आपके पास। ठीक है, तो और आपको पता है कि इस मॉरल चॉइसेस की ये इम्प्लीकेशन है, ये दो चीजें हैं। ठीक है, एक तो आप वेल इन्फॉर्म्ड हैं, ठीक है, और दूसरा आपको मॉरल चॉइसेस का जो है वो इम्प्लीकेशन भी पता है। तीसरा, जो आपका एथिकल डिसीजन है वो वेल रीजन्ड होना चाहिए, उसके पीछे कोई लॉजिक होनी चाहिए, उसके पीछे कोई रीजन होनी चाहिए। तो ये तीन चीजें जो हैं ये बड़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, वेल रीजन, ठीक है, इन्फॉर्म और क्लैरिटी, क्लियर, इसी को जो है ना वो फॉर्मूले के नीचे डिस्कस किया हुआ है, आप इसे पढ़ भी लीजिएगा।
बड़ी इसमें जो है वो उसने डिटेल में बातें की। देखें पहली, अगर आप उसने ना उन स्टेप्स को ब्रेक कर दिया, पहला क्या है, मॉरल क्लैरिटी, ठीक है, आइडेंटिफाई दी रेलिवेंट मॉरल वैल्यूज, ठीक है। तो सबसे मोस्ट बेसिक स्टेप यही है, ठीक है, कि आपको एथिकल डायलेमास के अवेयर हो आप, उसके जो जो भी मॉरल जो वैल्यूज हैं वो एट स्टेक है, ठीक है। दूसरा कंसेप्चुअल क्लैरिटी, सही है, आपका जो जिस पे ऊपर भी आपका एथिकल डायलेमा है ना, वहां पर आपका कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए, सही है। फॉर एग्जांपल आपसे कोई पूछता है जी कि जो है वो पोलियो वैक्सीन लगवाना जायज है ना जायज है, तो अगर आपको पता ही नहीं है पोलियो वैक्सीन बनती कैसे है, कौन कौन से इदारे दुनिया में बना रहे हैं, ठीक है, तो जो उसके रिलेटेड इश्यूज हैं वो क्या हैं, इसके पीछे साइंस क्या है, इसके अंदर मटेरियल कौन से यूज हुए हैं, तो आपकी कंसेप्चुअल क्लैरिटी नहीं होगी, ठीक है, आपका अपना कंसेप्ट नहीं होगा तो या वैक्सीन क्यों जरूरी है, ठीक है, यही अगर आपका कंसेप्ट नहीं होगा या किसी चीज की जो आप वैसे एक आप मेडिसिन मेडिकेशन और वैक्सीन में क्या फर्क होता है, तो फिर आप ये कैसे करेंगे। तो ये जो है ये कंसेप्चुअल क्लैरिटी होना बड़ा जरूरी है। मुजम्मिल सईद आपका हाथ वैसे खड़ा है या जो है ना वो बात है, सॉरी सर, बात है, कोई मसला नहीं। अच्छा तो सॉरी सर, हाँ अंसा आपका भी हाथ अब रेज हो गया है। अंसा जी सर, अंसा गलती से हो गया। अंसा, अच्छा चले इसी बहाने आपने कुछ बोल तो लिया है ना, वरना कोई सवाल नहीं, कोई जो है ना आप लोग कुछ नहीं पूछते जो है ना। अच्छा जी, तो जो है वो दूसरा कंसेप्चुअल क्लैरिटी, तीसरा वही, ये उसने ना क्लैरिटी वाले पॉइंट्स को दो हिस्सों में ब्रेक कर दिया। तीसरा अगर आप देखें तो इन्फॉर्मेशन अबाउट द फैक्ट्स, वंस अगेन अगर कोई भी चीज है, ये तो एक पोलियो वैक्सीन या एबॉर्शन या ये चीजें जो है एक मिसाल होगी ना, बाकी आपके पास कोई भी चीज है तो आपके उसके बारे में इन्फॉर्म्ड होना चाहिए, वेल इन्फॉर्म्ड हो आप, आपको उसके बारे में फैक्ट पता होने चाहिए, सही है। ऐसे ये नहीं इधर से बात सुनी उधर से बात सुनी, फलाना तो ये कह रहा धमकाना तो ये कह रहा था, आजकल तो ऐसी मत मरी हुई ना यार, यूट्यूब पे हर चीज जो है ना वो मत मरी हुई, उसके पहले 10 चीजें आ जाती है जो है ना, एक बंदा कुछ और कह रहा था अपना चैनल एड कराने के लिए ना, पता नहीं क्या चक्कर है यार जो है ना, तो इन फेक इंफॉर्मेशन बहुत ज्यादा है, तो आपके पास फैक्चुअल इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, सही है। अच्छा और आप जब एक फाइंडिंग करें तो उसे रीचेक करें, ये चीजें जो है ना ये होनी चाहिए, इन्फॉर्म्ड अबाउट दी ऑप्शंस, ठीक है, आपके पास जो ऑप्शंस हैं, ठीक है, वो आपको उसके बारे में प्रॉपर इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, जो ऑप्शंस हैं आपके पास मौजूद उनकी भी आपको जो है ना वो होनी चाहिए, इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, एंड पे वेल रीजन, ठीक है, मेक रीजन, जब आप एथिकल डिसीजन मेक करें तो वो वेल रीजन हो, ठीक है, उसके पीछे कोई अच्छी रीजन हो, कोई आपके वो सेंस बनती हो, ठीक है। इसे मैंने आपको एक लास्ट टाइम एक टर्म बताई थी, गुड जजमेंट, ठीक है, वेल रीजन को आप कह लें गुड जजमेंट, आपकी जो एथिकल डिसीजन मेकिंग होगी दैट शुड बी बेस्ड ऑन गुड जजमेंट, ठीक है, कि आपकी जजमेंट इतनी अच्छी होनी चाहिए कि वो जो है वो वेल रीजन्ड हो, और ये बाकी सारी चीजें जो ऊपर स्टेप्स बताए हैं उनको जो है वो देखते हुए आप जो है डिसीजन करें, फिर जो आप पर भी एट स्टेक हो, सही है जी। तो अब जो है ये बातें आपको समझ आ गई, पहले मैंने आपको बताया कि कौन कौन से पर्सपेक्टिव से आपने एक एथिकल डायलेमा को देखना है, फिर मैंने आपको थोड़े स्टेप्स बताए कि आपको उसके बारे में थोड़ी इंफॉर्मेशन गैदर करनी चाहिए, ठीक है, आप उसके बारे में कंसेप्ट आपका क्लियर हो, जो के जो कुछ भी एथिकल इश्यू आ रहा है, ठीक है, और फिर आप जो है एक एथिकल डिसीजन करें दैट शुड बी बेस्ड वेल डिसीजन और वेल रीजन हो और गुड जजमेंट के ऊपर बेस करता हो। एक चीज होती है कोड ऑफ एथिक्स, कोड ऑफ एथिक्स क्या होता है, या एथिक्स कोड,
ये सर जो इदारे की तरफ से डिफाइन कर दिए जाते हैं जिनको फॉलो करना जरूरी होता शाबाश, सही कह रहे हैं। है। अरमिश आप बताएं, अरमिश अबासी। अरमेश, ये लड़का है लड़की है? अरमेश देखे ना, ये जब लोग हो ना 50 40 50 से ऊपर, तो फिर ये मसला होता है, पता ही कोई नहीं होता कौन है कौन नहीं है। अरमेश असद, असद तो होता है अक्सर क्लासेस में, असद और रहमान। जी सर जी, क्या होता है कोड ऑफ एथिक्स? सर प्रोसीजर्स होते हैं आई थिंक जिनके तहत देखें एथिक्स को डिफाइन किया जाता है। कोड ऑफ एथिक्स ये होता है, आप लेट से किसी प्रोफेशन में है, किसी ऑर्गेनाइजेशन में है, ठीक है, किसी सोसाइटी में, सोसाइटी में तो खैर नहीं। ये एक तो कोड ऑफ एथिक्स में ना, एक पहली बात जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो ये होती है कि कोड ऑफ एथिक्स हमेशा रिटर्न होते हैं, सही है। जो आपके मॉरल रूल्स हैं, ठीक है, मॉरल रूल्स हैं, रेगुलेशंस हैं, मॉरल प्रोसीजर्स कह लें एक ऑर्गेनाइजेशन के, ठीक है, या एथिकल आप कह लें, जो है वो प्रोसीजर्स हैं, बिहेवियर्स कह लें, या एथिक्स हैं, या उसे कोड ऑफ एथिक्स कहते हैं, ये वेल डिफाइंड होते हैं, सही है। और ऑर्गेनाइजेशन जो है वो सर फिर फॉर्म में होते हैं जी, सर प्रिंसिपल भी कहा जा सकता है, प्रिंसिपल्स आप कह लें, ठीक है, लेकिन एथिकल होते हैं ना प्रिंसिपल, एथिकल। हाँ ठीक एथिकल है प्रिंसिपल। सर। आप देखिए ना, आप जैसे आपकी एक स्टूडेंट हैंडबुक होगी, ठीक है, यूनिवर्सिटी की तरफ से होती है, एक फैकल्टी हैंडबुक होती है, स्टूडेंट हैंडबुक में ये होता है जी कि अगर ये मिसकंडक्ट करता है तो ये पेनल्टी है जी, ये अगर CGPA इतना रह गया तो ये पेनल्टी है, ये ऐसा होगा, ये ऐसा है, कोर्स अगर कोई रह जाता है, कोई मिस हो जाता है, आप कोई सेमेस्टर फ्रीज कराते हैं, ये सारे प्रोसीजर्स उसमें दिए होते हैं। ये क्या है, ये कोड है, ये एक पूरा कोड है। एथिक्स में क्या है कि जो आपके बिहेवियर, जो आपके राइट और रॉन्ग के रिलेटेड होंगे वो एथिकल में आएंगे ना, कोड। और ऑर्गेनाइजेशन ये बताती है कि आपने ना ये जी जी एथिकल आपने लैब के अंदर कोट होना चाहिए जी, ये इस इक्विपमेंट को नहीं छेड़ना, इसको ऐसे जी वो से परमिशन लें, ये करें वो करें, बिहेवियर ऐसा होना चाहिए, ये सारी बातें जो आती है ना वो यूजली रिटन फॉर्म में होती है। तो बहुत सारे आपके एथिकल डायलेमास तो यहाँ पर ही रिजॉल्व हो जाते हैं, सही है। तो कोड ऑफ एथिक्स बता देता है कि इस एथिकल डायलेमा का ये हल है, ठीक है। एक चीज तो ये हो गई, हमने पहले देखा कि एथिकल डायलेमा है क्या, फिर हमने उसके डिफरेंट पर्सपेक्टिव देखे, फिर हमने उसके एक प्रोसीजर सा देखा कि हम इस तरह से उसे टैकल करना चाहिए, फिर हम अब देख रहे हैं कि उनको कैसे हैंडल कैसे करना है। एक तो ये कि कोड ऑफ एथिक्स के अंदर अगर है तो बात ही खत्म होगी जी, एथिक्स कोड के अंदर ये है, जैसे वो कह देते हैं ना जी वो पाकिस्तान के कानून के फलाने शिक के फलाने जुज के तहत जो है ना ये ऐसे ऐसे नहीं होगा, ये तशरीह कर दीजिए कोर्ट ने, ये खत्म होगी बात, इधर से ही मामला साल हो। एक होता है कि मामला क्लियर ही ना हो, वो पहले उससे ना कोई केस आया हो, और बहुत से सिस्टम ना बड़े एफिशिएंट होते हैं, ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कोड ऑफ एथिक्स भी, वो एक मामला जब पहले नहीं होता जो वो बार बार रिपीट होके आ रहा है तो वो उसे भी शामिल कर लेते हैं, ये लो यार ये इसमें ना, जैसे हमारे यहाँ कानून की अगर देखे तो बहुत सी अमेंडमेंट हो चुकी है, 18वीं 19वीं, अब तो 22 23 अमेंडमेंट हो चुकी है, क्योंकि उस वक्त जो 1973 में जब कानून बना उस वक्त कुछ और ग्राउंड रियलिटीज थी, अब 2021 में कुछ और है, तो वो फिर अमेंडमेंट्स होती रहती है उसके अंदर, तो इससे कोड एक तो ये भी है। अब एक सिचुएशन ऐसी है कि ये ऐसा नहीं था कोड ऑफ एथिक्स में, ये चीजें नहीं है, सही है, फिर आपने क्या करना है, सही है, कोड ऑफ एथिक्स के अंदर वो चीज नहीं है, एथिकल डायलेमा है, तो आपने उसे जो है वो कैसे देखना है, ठीक है, फिर वो सारे प्रोसीजर आपको देखना पड़ेगा। अच्छा क्लियर हो गई ये बातें या नहीं हुई, कोई क्वेश्चन? अब ना मैं आपके सामने एक जो है वो केस स्टडी रखता हूँ, ये केस वन ही देख लेते हैं यार, चलें ये जरा ना पढ़ लें एक दफा।
अब हम ना इसको ये हमने एक केस डिस्कस कर रहे हैं वैसे ही ना, फॉर एग्जांपल के तौर पर। और मैंने आपको पहली जो असाइनमेंट देनी है वो यही है कि मैं आपको केसेस दूंगा हर एक स्टूडेंट को, तो आपने उसमें से एथिकल इश्यूज निकालने हैं, ठीक है? उनका जो है वो फिर सारा काम जो है ना, ओह सॉरी, हाँ ये ठीक है। तो पहला आपकी असाइनमेंट यही होनी है, मैं आपको एक कोई केस स्टडी दे दूंगा, आपने जो है क्या करना है उस केस स्टडी को जो है वो देख के उसके ऊपर जो एथिकल इश्यूज है वो लिखने हैं, कौन कौन सा एथिकल इश्यू है उसमें क्या, और फिर एथिकल डिसीजन करना है आपने, ठीक है? तो ये एक ऐसी है केस स्टडी है जो मैं आपके सामने जो है वो प्रेजेंट कर रहा हूँ। ये एक तो मैं ऑलरेडी कर चुका हूँ। जी मुमताज, आपने हाथ रेज किया हुआ है, मुमताज मुमताज, और यार बोल भी जाए आप, मुझे लगता है ऐसे ही उससे भी हाथ खड़ा हो गया, कहीं खुद भी नहीं है तो जो है ना। सर इसको कोई और भी करते हैं क्योंकि 10 मिनट फिर हमारी क्लास है आगे 6 से 9 भी। हाँ जी हाँ जी, पता है मुझे जनाब क्लास है। तो देखें जो केस वन है वो है एन इंस्पेक्टर, आप पढ़ तो रहे हैं ना, ये पढ़े जरा सब लोग साथ साथ ना, क्योंकि आपसे ही मैंने ये करवाना है कुछ इससे डिस्कशन। एन इंस्पेक्टर डिस्कवर्स फॉल्टी कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट एंड अप्लाइज ए वायलेशन टैग प्रिवेंटिंग इट्स कंटिन्यूड यूज, ठीक है? द इंस्पेक्टर सुपरवाइजर ए कंस्ट्रक्शन मैनेजर व्यूज द केस एज ए माइनर infraction of safety regulations and orders the tag removed so the project will not be delayed, what should she do? फिर से मैं कह रहा हूँ कि एक जो इंस्पेक्टर है वो देखता है कि कंस्ट्रक्शन के अंदर ना कोई फॉल्टी इक्विपमेंट यूज हो रहा है और वो ना एक वायलेशन टैग लगा देता है कि जी ये यहाँ पर रूल की वायलेशन हो रही है और इसका जो है ना वो दोबारा यूज नहीं होगा, प्रिवेंटिंग इट्स कंटिन्यूड यूज, ठीक है? तो वो फिर दोबारा नहीं यूज, ये टैग लगा देता है, ये फलाना जी ये हैमर है, ये कोई चीज है ये यूज नहीं कर सकते जी, ये इम्प्रॉपर है फॉर यूज। द इंस्पेक्टर सुपरवाइजर वो उसके जो सुपरवाइजर होते हैं इंस्पेक्टर का, वो एक कंस्ट्रक्शन मैनेजर होता है, वो उसे लगता है कि ये नहीं छोटा सा एक सेफ्टी का मसला है, ठीक है? और वो उसे ऑर्डर करता है कि ये जो है ना तुम टैग हटा दो और प्रोजेक्ट को आगे चलने दो, ये इक्विपमेंट यूज होने दो, ठीक है? कोई बुलडोजर कोई ऐसा है कुछ ऐसा है जो उसे लगा कि ये नहीं फॉर यूज नहीं है, तो उसे क्या करना चाहिए? अब वो जो सुपर इंस्पेक्टर है उसे क्या करना चाहिए? अब बताएं कि इसमें एथिकल डायलेमा क्या है? जी ये अगेंस्ट द सेफ्टी उसे अलाउ नहीं करना चाहिए। एथिकल डायलेमा क्या है इसमें? वो ये मना किया कंस्ट्रक्शन मान तो सेफ्टी सुबी कोई सर एथिकली तो उसको फॉलो करना चाहिए क्योंकि उसने अपने वो मैनेजर को फॉलो करना है, लेकिन अगर सेफ्टी को देखें तो फिर नहीं करना चाहिए। एथिकल डायलेमा तो है ना? हाँ बिल्कुल, उसको फॉलो करना चाहिए उसको। अरमिश अबासी यार मैं इसको रिमूव कर रहा हूँ, और तुम लोगों का सीआर किधर गया? ये तला है बीच में क्लास में, नहीं है ना क्लास में? आई एम अरमिश को रिमूव कर रहा हूँ, इसकी अटेंडेंस भी नहीं लगी, ये इसकी अटेंडेंस नहीं लग रही अरमिश आप हो गया उसका। चलें अच्छा, एथिकल डायलेमा इसमें ये है कि एक तरफ देखें सोचने वाली बात, वो तो एस्पेक्ट्स है ना उसके, वो हम उस तरफ, एक तरफ उसका बॉस है जिसकी बात उसे माननी चाहिए, यही होता है ना, दूसरी तरफ उस चीज का उसके ड्यूटी है कि ही शुड इंस्पेक्ट द इक्विपमेंट्स, देखे कि वो आए दे आर, एक तरफ उसकी ड्यूटी है पर्सनल ड्यूटी है, ठीक है? और दूसरी उसकी क्या है जो है वो ये है कि उसके बॉस जो कह रहा है क्योंकि उससे सीनियर है, हो सकता है वो ठीक कह रहा हो, ठीक है, ये वाकई इतना जो है इशू ना हो बड़ा, उसे हमें लग रहा हो उसने जो है ना प्रोजेक्ट सारा डिले कराना है, ये तो ये इसमें एथिकल डायलेमा है। समझ आ गई इसमें एथिकल डायलेमा क्या है? अब
इसमें एस्पेक्ट्स हैं, देखें सेफ्टी का एस्पेक्ट ये है कि वो जो है अगर इक्विपमेंट यूज होता है और वो कोई छोटा मोटा हार्म कर देता है, छोटा हार्म जो है वो बड़े हार्म को लीड कर सकता है, ठीक है। तो ये जो कैंसर होता है ये एक छोटा सा सेल होता है, वो बढ़ता बढ़ते बढ़ते वो कैंसर बन जाता है, ठीक है। तो स्मॉल प्रॉब्लम में लीड टू लार्जर प्रॉब्लम्स, लॉन्गर प्रॉब्लम्स, ठीक है। तो ये एक चीज है सेफ्टी का। अब इसमें जो है अगर एनवायरनमेंट की बात करें, ठीक है, एनवायरनमेंट के चले हम कह सकते हैं कि दैट मे बी प्रॉब्लमेटिक मे बी नॉट, तो एनवायरनमेंट भी साथ टैग में आ गई सेफ्टी के साथ। आगे आगे बात कन्वीनियंस की, ठीक है। कन्वीनियंस देखें एक चीज है वो यूजफुल हो सकती है, तो वो अब नहीं मंगवाएंगे, उसमें देर लग जाएगा तो उसकी कन्वीनियंस का मसला है, ठीक है। तो लेकिन अगर एक चीज खराब है, ठीक है, तो कन्वीनियंट नहीं है उसे यूज करना, तो कन्वीनियंस का भी इशू है। एक चौथी बात इकोनॉमी, देखिए एक चीज अगर यूज हो रही है तो वो इकोनॉमिकली बेनिफिट है, कॉस्ट इफेक्टिव है, नई चीज मंगवाएंगे या उसके कोई अप्रूवल लेना पड़ेगा तो वो ऑब्वियसली उसमें डिले आएगा, उसमें रिकरिंग उसमें कॉस्ट आएगी एक्स्ट्रा, तो इकोनॉमी का भी मसला है, ठीक है। और जो है ट्रस्ट वर्दीनेस का भी मसला है, ठीक है, या ऑनेस्टी का भी मसला है। अगर वो जो है वो सरफे नजर कर जाता है इस मामले से, कल कोई प्रॉब्लम बड़ा बन जाता है तो इंस्पेक्टर भी बीच में इन्वॉल्व होगा, तो ऑनेस्टी का इशू है, कंफ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है, सच नहीं है। बाकी जो है आप बाकी पॉइंट्स भी इसमें से देख लीजिए, टीम वर्क में भी देख लीजिए कि इसमें कैसे फिट हो सकता है। तो अब इसके एथिकल डिसीजन क्या होना चाहिए? शाह भाई ये तो मैंने आपको बता दिए, पहले मैंने आपको बताया एथिकल डायलेमा इसके अंदर क्या है, सही है। थोड़ा सा मैंने आपको अल्फाज में अंदर बताने की कोशिश की कि इसके अंदर पहले आपने लिखना है एथिकल डायलेमा क्या है, वो मैंने आपको बता दिया एक लिहाज से। फिर मैंने बताया इसके एथिकल इश्यूज क्या क्या हैं, हर एक इश्यू को आपने ब्रीफली डिस्कस करना है कि जी अगर सेफ्टी है तो सेफ्टी में ये बातें आ रही हैं जो इससे रेलिवेंट बन रही है, जैसे अभी लंबी कहानियां नहीं जोड़नी, ठीक है, वो इधर से बात उधर ले गए, उधर से आगे कहीं ले गए, जितनी बात बनती है उतनी बतानी है। अच्छा फिर इसी तरह एनवायरमेंट आ जाएगा, कन्वीनियंस आपकी, बाकी सारे जो जो पॉइंट्स में आपको लगता है कि ये पर्सपेक्टिव इसमें इफेक्ट हो रहा है, ये उसका आ रहा है, तो वो आप लिखें, जो नहीं आ रहा उसे रहने दें, सही है। तो फिर आप एंड पे क्या करेंगे, फिर आपने मॉरल चॉइसेस लिखी। मॉरल चॉइस देखें, एक तो ये लगता है बनता है जी साहब कह रहा है ठीक है, सही है, एक ये मॉरल चॉइस है, एक ये मॉरल चॉइस है नहीं मैं इसे नहीं इस्तेमाल होने दूंगा, ठीक है। और कोई मॉरल चॉइस है? सर वो जॉब से रिजाइन कर दे। सर और अभी तो उसके साहब ने ये भी नहीं कहा यार कि जो है ना अगर तुमने ना किया तो मैं तुम्हें जॉब से निकाल दूंगा, या ऐसी वैसी कोई बात है, उसने तो सिर्फ एक मशवरा दिया उसके सामने उसे कि ये जो है ऐसे कर लो। बहुत ही तुम यार सख्त आदमी हो, कौन हो तुम? ऐसा नहीं हूँ, मैंने थोड़ी सी दूर की सोची थी कि मैंने कहा अगर वो मना करेगी कि ऐसा मैंने ये दिन टैग देखे नहीं हटाना और वो उसका सर थोड़ा सा उसको। प्रोफेशनल नहीं, इससे नहीं, और कोई सवे, और कोई सोल्यूशन किसी को लगता हो, और कोई सर मॉरल उसको चाहे किसको? सर रिप्लेस किया जा सकता है उसे। सर वो डिवाइस को जो फॉल्टी ऑपरेटर्स है। हाँ वो अपने सजेस्ट कर सकता है कि मैं इसके पास, हमारे पास वो फलाना कोई इक्विपमेंट पड़ा हुआ है वो एक्स्ट्रा है, या हम नया खरीद लें, या जो है वो इसे इस तरह कोई हो सकता है रिप्लेस, लेकिन रिप्लेसमेंट की उसने बात नहीं की बीच में ना, तो रिपेयरिंग भी तो हो सकती है, रिपेयर करवाया जा सकता है उसको। रिपेयर रिप्लेसमेंट ये भी इसके मॉरल चॉइसेस हो सकते हैं, लेकिन वंस अगेन ये डिले डालेंगे, आप अगर आप रिप्लेस करते हैं तो फिर जो है वो डिले तो आएगा, वो उसका बॉस यही उसे कह रहा था कि जो है ना वो डिले नहीं आना चाहिए। तो जी, वो अपने बॉस को कन्वेंस करेगा सर कि अगर इसे यूज करते हैं तो ये इश्यूज आ सकते हैं, जैसे आप कह रहे थे कि एक माइनर इशू फिर मेजर इशू को लीड करता है। सर उसे ब्रीफ करेगा इसके बारे में। हाँ वो तो चले उसने बात कर दी ना, मैं और मॉरल चॉइसेस की बात कर, चले वो तो पहले ही होगी ना, या उसकी बात मान ले या उसकी बात ना माने, ये दो मॉरल चॉइस। तीसरी आप कहते हैं कि उसकी रिप्लेसमेंट को इस तरह की, एक ये हो सकता है कि आजकल ये नहीं है कि आप सिर्फ जो है वो, आपको पता है कि आप घर में बैठ के आपके पास कोई आप इतनी ना ओद है ना कुछ, आप फिर भी सिटीजन पोर्टल पे जो है ना वो
दे सकते हैं दरख्वास्त। मैं ये नहीं कह रहा कि आप इसके खिलाफ सिटीजन पोर्टल पे दरख्वास्त आपने देना, ये इसमें मौलक चाहे सही, लेकिन ये है कि जो आपका बॉस है उसके साथ जो बाकी आप इस तरह की कोई उन्हें कन्विंस करने की कोशिश कर सकते हैं, वो तो ये टिट फॉर खाली ये नहीं है कि जीरो और वन नहीं रखना होता इसमें कि नहीं जी या तो बॉस की मान लेनी है या बॉस की नहीं माननी, ठीक है। तो इसमें और बहुत से जो है आप एस्पेक्ट्स को देखते हैं कि और आपने अगर लेट से आपको लगता है कि नहीं मैं जो सोच रहा हूँ वो ठीक है और इससे वाकई ऑर्गेनाइजेशन को या किसी और बंदे को नुकसान हो सकता है, तो वो जो है फिर इसके और भी थोड़े बहुत वे आउट होते हैं। बहरहाल ये सारे मॉरल चॉइसेस होंगे, तो इन द एंड एथिकल डिसीजन क्या होगा फिर आपका? आपने जितनी मॉरल चॉइसेस अभी हमने डिस्कस की लेट से, उसमें से आपका एथिकल डिसीजन क्या होगा? सर हर किसी का मुख्तलिफ होगा। चलें शराफत आपका क्या होगा? शराफत हाँ भाई, तनवीर उस्मान आ जा, बिल्कुल चुप है, क्लास में है या नहीं है? यस सर क्लास में ही है सर, चुप तो नहीं हूँ सर, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट मैंने ही बताया था। अच्छा 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 सही है। अच्छा सर यूज कर लेना चाहिए इसको, है मेरे ख्याल में तो सर यूज कर लेना चाहिए इसको, यूज कर लेना चाहिए जी। जब उधर एथिकल डिसीजन लिखना है तो साथ आपने रीजन भी लिखनी है कि ये वेल रीजन है, इसकी ये पीछे वजह है, सही है। तो जब भी आप केस स्टडी करेंगे पहले आपने क्या लिखना है, केस तो ऊपर आपने लिख दिया, नीचे आप एथिकल डायलेमा लिखेंगे, नीचे आप क्या लिखेंगे उसके पर्सपेक्टिव लिखेंगे, नीचे उसके आप क्या लिखेंगे मॉरल चॉइसेस लिखेंगे, उसके नीचे आप क्या लिखेंगे एथिकल डिसीजन लिखेंगे। एथिकल डिसीजन के साथ आपने उसकी रीजन भी देनी है कि ये मैंने एथिकल डिसीजन लिया है, इसके पीछे ये वजह है। जी तनवीर बता दो फिर क्या वजह, क्यों आपने कहा कि बॉस की बात मान ले? सर इसके पीछे या सर मैं बता रहा था कि ये वजह मैं बयान करूंगा कि एक तो वो काम प्रोजेक्ट डिले हो जाएगा, दूसरा कंपनी की कास्ट में भी फर्क आ सकता है, तो मे बी वो अर्जेंट इशू हो जिसको जल्दी टाइम पे करना हो, इसलिए मैं रिकमेंड करूंगा यूज कर लें ताकि डिलेइंग ना हो। सही है, चले एक दो मिनट और ले लेते हैं फिर ना क्लास एंड कर दें। निदा खान आवाज आ रही है आपको? निदा खान नहीं सर, इसको यूज नहीं करना चाहिए जी। सर इसको जो एथिकल डिसीजन होगा मेरे पर्सपेक्टिव से सर कि इसको यूज नहीं करना चाहिए, और उसमें रीजन ये होगी कि अगर ये कोई प्रॉब्लम क्रिएट कर देता है तो लीगली तो ये पहले ही बैन हो चुका है, तो इंसान लेटर ऑन किसी प्रॉब्लम में इन्वॉल्व होने से बेहतर है कि वो उसको वहीं पे जो है वो कंडेम कर दे। सही है ठीक है शाबाश। अच्छा आपको कहीं अरूज आपको ये तो नहीं कहा हुआ सब फीमेल ने कि जब सर कोई फीमेल को बुलाए ना तुम फौरन से बोल पड़ा करो ताकि जो है ना बाकियों की भी जान छूट जाए? नहीं नहीं सर ऐसा कुछ नहीं है सर। हैं? नहीं नहीं सर ऐसा कुछ नहीं है सर। अच्छा 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 सर एक पॉइंट क्लियर कर दें। जी जी यासिर, डिसीजन में हम दोनों चीजें भी बता सकते हैं यस नो या अपने एक पॉइंट पे रहना है? एक डिसीजन होता है, यस नो नहीं बताना, बस एक काम में बताना है ये डिसीजन है और इसके पीछे ये रीजन है, बस बात करते हैं ठीक है। चलो किसी और से पूछते हैं, गजनफर मोहम्मद गजनफर, चले एक दो मिनट आज उबर ले लेते, इतनी देर तो ज्वाइन करते करते भी लग जाते हैं दूसरे को, और कौन सा आप 6 बजे ज्वाइन करते हैं जो है ना क्लास फौरन। हाँ जी गजनफर, मोहम्मद गजनफर, गजनफर हैं, चले और कोई खुद से बताना चाहता हो उसका एथिकल डिसीजन विद रीजन जल्दी से शाबाश। Anyone? सॉरी यार,
अच्छा, आप जनूबी पंजाब के हैं लगता है। जी सर। बलोच हैं? जी सुहानी बलोच सर। अच्छा, चलें बताएं जी। जी सर, सर मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से ये है कि अगर उसको यूज करने से जो भी डिवाइस है, कि अगर कोई बड़ा मसला नहीं होता जैसे जानी नुकसान है या कोई भी ऐसा है, तो फिर तो उसे यूज करना चाहिए सर। क्योंकि मैनेज आपका सुपरवाइजर या जो भी हेड है, अपॉइंट अथॉरिटी है, वो कह रहे हैं कि यूज करो, तो फिर तो यूज करना चाहिए सर उसे। आप कहते हैं कि उसे एथिकल डिसीजन ये है कि वो अपने सुपरवाइजर की बात मान ले, और सर, आप उसके पीछे रीजन ये कहते हैं कि वो ज्यादा नॉलेजेबल पर्सन है, तो इसलिए जो है वो उसकी बात माननी चाहिए। हालांकि इंस्पेक्शन तो इंस्पेक्टर कर रहे हैं, उसने तो खाली बस ना उसको जाके बताया, उसने बगैर देखे ये कह दिया है कि जी ठीक है कर लो यूज, यार कुछ नहीं होता। सर रीजन ये है सर कि अगर उससे कोई बड़ा मतलब मिस्टेक ना हो या कोई इतना इशू ना हो, जैसे जानी नुकसान हो सकता है या कुछ ऐसे ना, अगर माइनर इशू हो तो वो ठीक है, वो एक्सेप्टेबल है सर। चलें ठीक है, चलें कुछ ना कुछ आपके पास एथिकल डिसीजन तीन चार लोगों ने बता दिए हैं, तो और कोई क्वेश्चन है इस टॉपिक से रिलेटेड तो आप पूछ सकते हैं। ये बुक की चैप्टर करेक्ट क्या होगा इसका केस का सर? नहीं करेक्ट तो कुछ भी नहीं है यार, देखें डिफरेंट एथिकल डिसीजंस हैं, ठीक है। आप जिस एथिकल डिसीजन पे खड़े हैं, आप सारे ही किसी न किसी ऑर्गेनाइजेशन में हैं, कहीं ना कहीं जॉब करते हैं, कुछ न किसी ऐसी सिचुएशन में आते रहते हैं, तो ये देखना चाहिए कि कौन सा एथिकल डिसीजन जो है वो वेल रीजन्ड है, ठीक है, उसकी तरफ जाएं। एक बिल्कुल ही जो कोई लेट्स से मैं तो जब देखूंगा ना आपके पेपर, ये कहीं आपको असेस कर रहा हूँ, तो मैं देखूंगा कोई बिल्कुल ही जिसने बेहंगम सी बात कर दी है वो तो नहीं सही, बाकी जिसने भी एथिकल डिसीजन विद रीजन लिखा हुआ है तो मैं ऑब्वियसली उसे वेटेज दूंगा, ठीक है। बात तुम्हें आ गई है? यही असाइनमेंट हमारी यही है केस वन जो है। और नहीं मैं आपको केसेस दूंगा अलग से, ठीक है, हर एक स्टूडेंट को केसेस दूंगा, वो मैं बकायदा अपलोड करूंगा, आपका जो केस बनता होगा आपने सिर्फ उसी को सॉल्व करना है, सही है। पहले आपने लिखना है कि केस क्या है, केस तो आपको गिवन ही होगा, फिर एथिकल डायलेमा उसके अंदर लिखना है, फिर उसके पर्सपेक्टिव्स लिखने हैं, फिर उसके अंदर मॉरल चॉइसेस लिखनी है, फिर एथिकल डिसीजन विद रीजन लिखना है, ये चीजें आपकी होनी चाहिए, ठीक है। चले ठीक है, फिर अब खत्म करते हैं बात आज, ठीक है। तो नेक्स्ट टाइम हम इंशाल्लाह जो है ना सेफ्टी को डिस्कस करेंगे, सेफ्टी और ठीक है। हाँ सर, एक बात मैं आपको बताना भूल गया, सॉरी एक मिनट और लूंगा, कि आपने सीआर को बता दीजिएगा, मैं भी उनसे रابطہ कर लूंगा। हमने ना नेक्स्ट वीक में एक वीक डेज के अंदर क्लास रखनी है, क्योंकि आपकी यूनिवर्सिटी की तरफ से मेल आई थी कि जो ये क्लास मेकअप ले लें, तो ये नेक्स्ट वीक के अंदर कोई शाम में कोई टाइम रख लें किसी दिन, ठीक है जी। ओके जी, अल्लाह हाफिज़। जी 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 तनवीर सर, ये पूछना था कि मिड में हाईएस्ट मार्क्स कितने हैं? 18 है मेरे ख्याल से। ठीक हो गया सर। ठीक है, आपको पता ही होंगे आप लोगों के मार्क्स, क्योंकि मेरे 18 है सर। अच्छा, माशाल्लाह, मेरे ख्याल में 18 ही है हाईएस्ट मार्क्स। सर एक इशू था मिड का, हम लोगों ने आपने हमें 22 मिनट्स दिए थे आई थिंक पेपर सॉल्व करने के लिए। नहीं 35 मिनट थे। 35 मिनट थे, लेकिन बाद में जो कुछ लोगों का मॉडलम नहीं था तो उन्होंने बाद में सॉल्व कर रहे थे पेपर, तो ये तो फिर बाकी लोगों के साथ तो ये हुआ ना कि उनको ने जल्दी पास पेपर घूम रहा था और जिन्होंने एट ए टाइम किया। नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता, वो पेपर अवेलेबल ही टोटल 45 मिनट के लिए था, मैंने इसलिए ज्यादा टाइम दिए ही नहीं है। देखिए, मैंने जो टोटल आपको विंडो दी थी वो 45 मिनट की थी, वो भी इसलिए दी थी, फॉर एग्जाम्पल 12:30 का टाइम है, किसी के कनेक्ट नहीं हो रहा, इंटरनेट कुछ प्रॉब्लम आ गया है, तो मैंने 10 मिनट एक्चुअली वो पीडीएफ फाइल में एमसीक्यूज लिखे हुए थे और वो 45 मिनट के बाद था। किसी का ऐसे सबमिट ही नहीं हो सकता जब टाइम ही लेट्स से 12:30 से लेकर 1:15 तक है,
ठीक है, उसके बाद तो किसी के सबमिट ही नहीं हो सकता पेपर अगर किसी के पास कर रहे थे सबमिट, तो ये तो फिर हमारे साथ, हम लोगों ने इतनी जल्दी जल्दी स्टेटमेंट इतनी बड़ी बड़ी थी और हम लोगों ने थोड़े टाइम में, मतलब इसलिए हमारे मार्क्स हैं वो कम आए, तो जो लोग बाद में कर रहे थे हमें बाद में सेंड किया है पेपर। नहीं बात सुने मेरी, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। पहली बात ये सवा जो भी टाइम था 45 मिनट्स जो गिवन थे उसके बाद किसी का पेपर सबमिट हो जाए और हर एक को अटेम्प्ट के 35 मिनट्स थे, ठीक है, किसी ने वो उसकी पीडीएफ बना ली, पीडीएफ तो ये ना आपने कॉपी करके वर्ड में पेस्ट किया, वर्ड से आपने पीडीएफ बना ली, आपने बना ली, उसको कोई रोक नहीं सकता। लेकिन 45 मिनट्स जो की विंडो थी और 35 मिनट हर बंदे को अटेम्प्ट के टाइम था, इसके बाद किसी का पेपर जो है वो नहीं हुआ, ठीक है। एक दो लोगों के कोई पर्टिकुलर इशू था वो मैं जानता था, मैंने उसको एवेलुएट करने के बाद उनको जो है एक और तरह से उनका पेपर लिया, लेकिन उनके लेट से एक स्टूडेंट की वो रजिस्ट्रेशन का इशू था जो है, इस तरह के एक दो इशू थे, वो एक दो स्टूडेंट। बाकी ये जो सारे काम इस तरह के किए जाते हैं ना, उसके पीछे मकसद ही ये होता है आपके मरियम, कि जिन लोगों ने मेहनत की है और जिन लोगों ने मेहनत नहीं की उनके दरमियान डिफ्रेंशिएट किया जा सके, सही है, इसका बेसिक मकसद ही। वरना क्या क्या मसला है कि आप सारे लोग ही एक दूसरे से पूछ के सॉल्व कर लें, आपको 3 घंटे 2.5 घंटे के टाइम दे दिए जाए, आप इंटरनेट से इधर उधर से सर्च करें। टाइम कम देने का और विंडो देने का ये जो है ये मकसद था कि ये जो है ताकि किसी के इंटरनेट का इशू है तो वो 10 मिनट का क्वेश्चन दिया, इससे भी ज्यादा नहीं दिया, सही है, और ताकि जिन लोगों ने मेहनत की है उन लोगों के मार्क्स आए। और ऐसा है आपकी क्लास में, आपकी क्लास में लोगों के 6 मार्क्स भी हैं, 10 मार्क्स भी हैं, 14 मार्क्स भी हैं, 12 मार्क्स भी हैं, 18 मार्क्स भी हैं, 17 मार्क्स भी हैं। तो ये जो डाटा है ना ये शो करता है कि जो है वो कुछ लोगों के मार्क्स कम हैं, कुछ के ज्यादा हैं, जिसकी जितनी मेहनत थी या जिसने जितनी एफर्ट पुट की है वो उस कितने मार्क्स आ गए, ठीक है। तो टाइम ही नहीं था जी, चीटिंग तो नहीं की, चीटिंग का तो टाइम ही नहीं था, वो एमसीक्यू इतने बड़े बड़े थे, तो देखे ना मकसद ही हमारा आउट ऑफ सिलेबस है, आउट ऑफ सिलेबस थे जो हमने पढ़ा था उसमें से नहीं थे। कौन सा तो मोस्टली थे जो ना हम लोगों ने नहीं पढ़े थे, कोई एक भी क्विज ऐसा नहीं था। आप अभी मुझे बताएं जो आपके माइंड में है या आप नेक्स्ट क्लास में लिख के ले आए जो आपको लगा कि ये हमारे कोर्स में नहीं था। सही है, आप लिख के ले आए, आप लोगों के पास पीडीएफ तो मौजूद है, आप लिख के ले आए नेक्स्ट क्लास में कि सर ये जो है ये आपने पढ़ाया नहीं था, उसे हम डिस्कस करेंगे इधर, ऐसी कौन सी बात है, ठीक है। कोई ऐसा क्विज, कोई ऐसा एमसीक्यू नहीं दिया जो आपने ना पढ़ा हुआ या जिसके बारे में मैंने बात ना की हो, ठीक है। तो इसलिए ये भी एक मकसद होता है कि आप लोग क्लासेस अटेंड करें, तो क्लास में बहुत सी ऐसी बातें होती हैं जो जो है वो आप क्विज कोई या इस तरह एमसीक्यूज पूछ लेते हैं, तो वो जो स्टूडेंट क्लास अटेंड कर रहे होते हैं फिर उन्हें फायदा हो जाता है, जो सिर्फ जो है वो दूसरों के साथ तैयारी मिलकर कर लेते हैं या इंटरनेट से इधर उधर से या बाद में नोट्स पढ़ने पर इतफा करते हैं, उन लोगों को उस चीज का नुकसान हो जाता है। तो ये भी एक जो है वो एक स्ट्रेटजी होती है। और मैंने कुछ जो है वो जो आपकी स्लाइड थी उनमें से कुछ एमसीक्यूज बनाए, कुछ जो है वो इधर उधर से बनाए, कुछ मैंने खुद से सोच के बनाए, ठीक है। जैसे वो चीटिंग जो है, चीटिंग जो है वो, या वो क्या था, चीटिंग इन एन असाइनमेंट, वो क्या है वो अनएथिकल असाइनमेंट, एक जो है वो बना के मैंने कहा कि ये देना चाहिए जो है ना, ये बच्चों की जरा ब्रेन स्टॉर्मिंग करेगा, बच्चों को चेक करेगा कि ये क्या इसका मतलब है। तो इस तरह की चीजें होती हैं, हमें भी इन चीजों का पता होता है कि स्टूडेंट्स जो है वो क्या क्या रिसोर्सेज यूज कर रहे हैं। बहरहाल टाइम काफी हो गया, और कोई बात है तो मोस्ट वेलकम, अदरवाइज फिर जो है सर फाइनल का पैटर्न क्या होगा? और फाइनल मींस एमसीक्यूज होंगे या थ्योरी होगी? ठीक है, चलें फिर वो डिस्कस करते रहेंगे इंशाल्लाह। फिर नेक्स्ट वीक में ना मैं आपके सीआर से डिस्कस करके कोई एक दिन जो है ना